हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद निक। मेरा नाम है निक बेस्ट। फ्रेंड्स, फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही धमाकेदार वीडियो। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की क्या इंपॉर्टेंस होती है आईटी सेक्टर के अंदर, और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, आखिर क्यों इंटरव्यूज़ में इसको इतना पूछा जाता है। इसी तरह के कई टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके के वीडियोस बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, क्यों मुझे फील हुआ कि मुझे भी वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, और मैंने इधर उधर वीडियोस देखे हैं जो कई लोग गुरुज के नाम से, टीचर्स के नाम पे ये सर जी वो सर जी करके चैनल्स खोले हुए हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैंने देखा वहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या है कि उन लोगों को एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, उनको नॉलेज है, उनको मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो शेयर करते हैं, लेकिन वो चीज़ें स्किप कर जाते हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर जाकर काम करना है। मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, एक कोडर हूँ, इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कई ऐसी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी है, इसलिए मैंने भी सोचा कि एक चैनल बनाऊँ जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर कर सकूँ और आप लोग अपने करियर को लेकर कुछ अच्छा डिसीजन ले सकें। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल में आए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा। कोई भी छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस कर गए तो हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों को एक बड़ा लॉस हो जाए, और इनफैक्ट बाद में आपको लगे कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन इस टाइम अगर देख लेता तो बाद में फ्यूचर में वो चीज़ आपको लॉस नहीं करनी पड़ती। तो चलिए अब एक एक करके मैं टॉपिक कवर करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि डेटा स्ट्रक्चर के और एल्गोरिदम के ऊपर इतना प्रेशर इसलिए डाला जाता है, इतना प्रेशराइज इसलिए किया जाता है आप लोगों को कि ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि जो टॉप आईटी कंपनीज है ना, वो अगर बच्चों को लेती हैं तो उनका इंटरव्यू सबसे ज़्यादा जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो 80% 70% जो कवर किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इन सब को लेकर किया जाता है। और जो 20-30% होता है उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर, इस तरीके की चीज़ें कंबाइंड तरीके से देखी जाती हैं। अब जो टॉप आईटी कंपनीज हैं वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ही क्यों मांगती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं मुझे 100-200 बच्चों में से कोई एक दो बच्चे लेने हैं, ठीक है, और उनसे कंप्यूटर के अंदर कोई काम करवाना है, तो मैं कैसे एनालाइज़ करूँगा कि इनमें से कौन बच्चा कल को मैं जो काम दूंगा वो ईजीली कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो कर लेगा, मतलब उसका लॉजिक क्लियर है, मतलब वो अगर इन चीज़ों को कर लेता है तो कल को मैं कैसे भी उसे प्रोग्राम दूंगा, कोई भी सिचुएशन होगी वो उसके अंदर परफॉर्म कर लेगा। तो ये एक तरीका है, लेकिन फ्रेंड्स इसके पीछे एक कैच है कि जो ये टॉप कंपनीज हैं, टॉप आईटी कंपनीज हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लेती हैं टॉप कॉलेजेस से, टॉप कॉलेजेस आईआईटी, एनआईआईटी और इस तरीके की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ही सिर्फ बच्चों को लेती हैं। अब कई लोग सिर्फ एक जो जनरलाइज तरीके से बता देते हैं कि इन चीज़ों को सीख लो, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, और आपकी जॉब लग जाएगी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये हाफ नॉलेज है दोस्तों। वो लोग जो आपको जो सर जी करके, गुरु जी करके चैनल खोल रहे हैं, वो आपको सिर्फ हाफ नॉलेज देते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं पता है। आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मतलब आईआईटी से, एनआईआईटी से बिलोंग करते हैं? बहुत कम चांसेस हो सकते हैं कि आप में से, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूवर हैं अभी देख रहे हैं वो नॉन आईआईटी या फिर एवरेज कॉलेजेस से होंगे, है या नहीं? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। अब जो क्या एवरेज कॉलेजेस से बच्चे हैं उनके लिए ये बात कहना सही है कि डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम उन्हें आनी चाहिए तभी प्लेसमेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी? नहीं, ये एकदम गलत है। देखिए, हर कोई बच्चा क्लास में टॉप नहीं करता, हर तरीके का बच्चा होता है, उसी तरीके से हर कोई बंदा मतलब सीईओ लेवल पे नहीं बैठ सकता, हर कोई बंदा टॉप आईटी कंपनी में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब कि अगर जो टॉप आईटी कंपनी में नहीं जाएगा उसे जॉब नहीं करनी है। और फ्रेंड, जॉब के लिए भी नीड हर किसी के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। कई लोगों को हो सकता है कि मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूँगा। कई लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकता है कि मेरी फैमिली है, मुझे अपने फैमिली को बैकअप देना है, कैसे भी करके मुझे जॉब चाहिए, चाहे मुझे 3 लाख का, 4 लाख का पैकेज लगे, लेकिन मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए। कई लोग हो सकता है फ्रेंड्स एकदम गरीब फैमिली से हैं, वो टॉप कॉलेजेस से भी नहीं है, उनका एकेडमिक्स भी अच्छा नहीं है, लेकिन जॉब तो करनी है,
तो वो भी है। तो इस तरीके से कई केसेस होते हैं फ्रेंड्स। तो एक जनरलाइज फॉर्म में मैं कह दूँ कि नहीं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करो माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हो जाओ, ये कहना एकदम गलत है। मुझे हर किसी बच्चे को लेकर चलना है, हर स्टूडेंट के लिए सोचना है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे बड़े कॉलेज में हो छोटे कॉलेज में हो, चाहे उसे कंप्यूटर की नॉलेज हो ना हो, अगर वो आईटी में इंटरेस्ट रखता है जाना चाहता है तो वो क्या क्या कर सकता है। तो यही मैं बात यहाँ पर कहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग टॉप कॉलेजेस से नहीं बिलोंग करते और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ लिंक्ड लिस्ट, सॉरी मैं डेटा स्ट्रक्चर का एक फॉर्म बता दिया जिसके अंदर लिंक्ड लिस्ट स्टैक क्यू हैश ये सब आती हैं, तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं आएगी तो क्या आपको जॉब नहीं लगेगी? लगेगी फ्रेंड्स, पक्का लगेगी। लेकिन वहाँ पर फिर आपका सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। इंडिया के अंदर इतनी कंपनीज है, इतनी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के काम होते हैं पता है। और हो सकता है कहीं पर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई ऐसा काम है सॉफ्टवेयर कंपनी को उन्होंने दिया है कि चलो ये काम हमारे लिए करके दो, वहाँ पर वो ये नहीं कहेंगे कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आनी चाहिए। वहाँ पर वो कहेंगे कि हाँ हम जावा में काम करते हैं, .NET में करते हैं, हमें वो बंदा चाहिए जिसे जावा और .NET की नॉलेज है, ठीक है। हमें वो बंदा चाहिए जो SQL सर्वर SQL के अंदर क्वेरीज बना सकता है। हमें वो बंदा चाहिए जो jQuery का JavaScript का यूज़ करके इस तरीके से काम कर सकता है। तो वहाँ पर नीड अलग हो जाती है। टॉप कंपनीज इसलिए वो बंदे को लेती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो बंदा जो अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर लेगा, ऊपर से वो टॉप कॉलेज से पढ़ा हुआ बंदा है, तो उसे कल को वो जो भी काम करवाएंगे वो कर ही लेगा। तो मैं ये सारी बातें आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो एक्चुअल में होता है इंडस्ट्री के अंदर वो सब बता रहा हूँ, वो सब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बात सिर्फ ये है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड इससे आपको पता चलता है कि कोई बड़ा बड़ा अगर प्रोग्राम आपके सामने आ जाता है कल को और उसको लॉजिक में किस तरीके से बैठाना है, किस कितना टाइम वो इस प्रोग्राम को करने में लगाएगा, कितनी जगह लेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो सब चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ऊपर ही ऊपर मान लीजिए आपके पास कोई वेब डेवलपमेंट का काम आता है, आपको वेबसाइट बनानी है, तो वहाँ पर आपको मतलब ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का यूज़ भी किया है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका यूज़ कर भी रहे होंगे और उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को पढ़ना रटना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट भी उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं अगर मैं सही टर्म में बोलूं, आप डायरेक्ट कोई लैंग्वेज सीख चुके हैं उसके अंदर डायरेक्ट आप काम करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है ऑलरेडी लाइब्रेरीज होती हैं, पैकेजेस होते हैं। कभी कोई ऐसा सिनेरियो आया कि आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ता है तो आप खुद ब खुद उसको समझ जाएंगे कि मुझे इस लैंग्वेज के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, जो उसी का एक तरीका हो जाता है जिसको प्योर हम कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का यूज़ करके, इस लॉजिक का यूज़ करके उसको परफॉर्म करना। तो वो जब आप लैंग्वेज करते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, आप धीरे धीरे करने लगते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप वो चीज़ें भी सीख चुके हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखनी बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह जॉब में सिर्फ आपसे वही पूछा जाएगा। अब मैं क्योंकि यहाँ पर एवरेज बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूँ, अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो कंपनी में एज ए फ्रेशर जाते हैं तो वहाँ पर आपसे क्या पूछेंगे पता है? या तो आप टारगेट बना लीजिए, अगर आपको नेटवर्किंग में जाना है तो आपसे वो हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेटेड जो राउटर्स हब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कैसे कन्फिगर किया जाता है, IP के रिलेटेड, नेटवर्क के रिलेटेड वो चीज़ें पूछेंगे। टेस्टिंग में जाएंगे तो वहाँ पर टेस्टिंग के रिलेटेड पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना है, उसमें भी अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर वो क्या कहेंगे? या तो आपको जावा आए, पाइथन आए, सी शार्प आए, मतलब कुछ भी आप जो आपकी चॉइस है, साथ में कोई आपको ये तो बैक एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, साथ में कोई आपको कहेंगे फ्रंट एंड के अंदर आपको jQuery और JavaScript के जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, एंगुलर, नोड, ये सब चीज़ों में अगर किसी में नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। साथ में आपसे कहेंगे डेटाबेस हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज जहाँ पर सब कुछ ना चाहते हुए, मतलब सब कुछ अगर वो एक बार के लिए इग्नोर कर दें लेकिन डेटाबेस की नॉलेज अच्छी है तो उस बंदे को भी ले लेते हैं। तो SQL में क्वेरीज जो होती हैं, ठीक है, SQL सर्वर जिसको कहते हैं, उसके अंदर SQL की क्वेरीज होती हैं, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि SQL सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर वो चाहे MySQL भी हो सकता है, मतलब डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, डेटाबेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए किसी भी एक कोई भी तरीके से आप करें, चाहे SQL करके MySQL और Oracle कोई भी डेटाबेस हो। तो मैं टोटल मिला के ये कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको क्या सीखना है, किस चीज़ के अंदर आपको जाना है। साइड में आप धीरे धीरे लिंक लिस्ट, सॉरी फिर से मैं कभी लिंक लिस्ट एरे हैश ये बोल देता हूँ, आपको डेटा स्ट्रक्चर ओवरऑल बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आपकी जॉब लग भी जाती है एज अ वेब डेवलपर, चाहे प्रोग्रामर आपकी जॉब लग भी जाती है अगर किसी दूसरी कंपनीज में, टॉप IT कंपनीज की बात नहीं कर रहा, तो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो की।
फ्रेंड्स एकदम लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक्चुअली में है क्या, ठीक है, हल्का फुल्का बता देता हूँ, बाद में आप कहेंगे कि डिटेल में कैसे बताना है, डिटेल में क्या कुछ होता है, क्या क्या इसके अंदर है, कैसे किया जाता है, वो सब अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी बस समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, आपके पास टिफ़िन बॉक्स है, आपको किसी ने कह दिया कि ये 10 रोटियाँ इस टिफ़िन के अंदर में डाल, ठीक है, आपने डाली। अब कई बंदे क्या हैं, वो कहेगा कि इसे इस तरीके से रखना है, आपको इस तरीके से इस टिफ़िन बॉक्स में एडजस्ट करना है 10 रोटियों कि आराम से उसका जो ढक्कन है ऊपर से आराम से बंद हो जाए, ठीक है। अब कई लोग क्या करेंगे, ऐसे रोल करके रखते जाएंगे, कई लोग 3-4 फोल्ड करके रख देंगे, कई लोग एक के ऊपर एक करके रख देंगे, तो एक अलग अलग तरीका है ना रखने का, तो उस डेटा का स्ट्रक्चर है एक अलग अलग फॉर्म में। तो इस तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर भी लिंक्ड लिस्ट होती हैं, क्यूज होते हैं, स्टैक होता है, हैश होता है, हीप होता है, इस तरीके से कई मतलब दुनिया भर की स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कैसे डेटा को स्टोर किया, कैसे निकाला, रखा, डिलीट किया, मतलब इस तरीके के कई उसके अंदर टास्क होते हैं, कई एक्शंस होते हैं हम लोगों को परफॉर्म करने रहते हैं। तो वो तरीका जो सब एक तरीका करने का होता है उसको एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के थ्रू हम करते हैं, मतलब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब वो एल्गोरिथम भी कैसे होगी, मतलब उसमें ये भी देखा जाएगा कि वो कितनी जल्दी हो सकता है। अगर आपने रोटी को 4 फोल्ड करके रखते जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, आपने सिंपल रोल किया तो कितना टाइम लगता है। तो इस तरीके से कई मतलब बिग ओ नोटेशन कहते हैं उसको, मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूँगा डिटेल में। तो ये सब चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर आती हैं। तो आप सोचिए जो टॉप आईटी कंपनीज होती है ना, उनका क्या एम है कि बंदा बस उन्हें लॉजिकल बंदा चाहिए जिसकी प्रोग्रामिंग के डीप मतलब जो अंदर के फंडे हैं लॉजिकल वो क्लियर हो। काम तो वो किसी भी टेक्नोलॉजी में उससे करवा लेंगे, कैसे भी करवा लेंगे। इनफैक्ट जो बंदे जब प्लेस्ड हो जाते हैं वो देखते हैं कि उन्हें कभी मतलब ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि एल्गोरिथम उन्हें बनाने पड़ती है या डेटा स्ट्रक्चर कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब वो काम करते हैं ना उसके अंदर कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे लॉजिक काम में आते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है। और टॉप कंपनीज़ के क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के खुद के कई दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन की वेबसाइट है। तो उनको क्या है, इस तरीके से काम करवाना होता है कि एकदम एफिशिएंट हो, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर दे, ठीक है। एक जैसे एरे, आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर साइंस के, तो एरे तो सुना ही होगा, एरे में स्टोर किया जाता है डेटा। तो कैसे किया जाएगा, कितनी जल्दी हो सके, कितना अच्छे से वो एफिशिएंट परफॉर्म करे, तो वो सब चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के थ्रू होती है। ये एक मोटा मोटी मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्यों कैसे होता है। अब जो बाकी दुनिया भर की कंपनीज़ भी तो हैं इनको छोड़ के इंडिया के अंदर में, आपने देखा होगा, ठीक है। अब जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं जैसे TCS, HCL, इन्फोसिस, क्या इनमें बंदे काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं, ठीक है। वो टॉप आईटी कंपनीज में जो बंदे हैं उनके से 20-25-30 लाख का पैकेज नहीं लेकर यहाँ पे 5-10 लाख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यार हर किसी के घर पे रोटी पकनी है, हर किसी के घर पे खाना पहुँचना है, हर किसी का मतलब पेट पलना है, और हर कोई मतलब आईटी सेक्टर के अंदर है तो हर कोई, ये तो है नहीं कि मतलब गूगल पे ही काम करेगा। तो उसी से हर फील्ड में होता है, हर जगह होता है, किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ये एवरेज लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ, जो मतलब उतना नहीं पढ़े हैं, जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, जो उतने टॉप कॉलेजेस में नहीं है या किसी भी तरीके से। तो हर किसी के लिए यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं है तो वो क्या कर सकता है। बाकी मैंने जो चैनल्स में देखा, जो गुरुजी करके और जो सभी सर जी गुरुजी ये गुरु वो गुरु सब बने रहते हैं, मतलब वहाँ पर मैंने देखा वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात बताते हैं, जो कि एक मतलब सिर्फ 10% लोगों के ऊपर लागू होती है। बाकी लोगों का क्या है यार, जो एवरेज बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज हैं, क्या वो कुछ नहीं करेंगे अगर उन्होंने आईटी फील्ड ज्वाइन किया तो? वो भी तो कुछ ना कुछ काम करेंगे, और हर तरीके के बंदे की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं तो मतलब बातें आपसे कई शेयर करनी है, मुझे कई इन्फॉर्मेशन है, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस करके मैं कवर करता रहूँगा। अभी तो हम 2500-3000 सब्सक्राइबर हैं, बड़ी फैमिली बनती रहेगी, तो मैं और कई चीज़ें शेयर करता रहूँगा आप लोगों से। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस दे सकूँ, अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूँ। आप लोगों के कई लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि सर अपना नंबर दे दो और आपसे बात करनी है। मैं जानता हूँ दोस्तों बहुत तरीके की आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती होंगी, इसलिए मैं क्या कहता हूँ आपसे कि आप जो ये बेल आइकन बना है उसको क्लिक कर दीजिए। क्यों, मैं भी जैसे मैंने अभी टाइटल में डाला कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और इसके अंदर मैंने कई चीज़ें आपको बता दी हैं। तो हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब ना भी हो, लेकिन उसके अंदर भी तो कई चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो वो सारी चीज़ें मैं टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर तो लिख नहीं सकता, तो उसको मैं वीडियो में कवर करता हूँ। तो इसलिए आप अगर जो बेल का नोटिफिकेशन है उसे क्लिक कर देंगे तो कोई भी वीडियो आएगा उसे आप ज़रूर देखिए। 4-5 मिनट की बात होती है, दुनिया भर की आप मूवीज़ देख लेते हैं, घूम लेते हैं, तो अगर 5 या 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके करियर में काम आएगी, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये सब सारे काम करके रखिए, आपके ही फ्यूचर के लिए, आपके लिए ही हेल्पफुल है।
तो फ्रेंड्स अभी मैं बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या है उसके लिए मैं दोबारा कोई नया वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, जिसमें मैं अच्छे से आपको बताऊँगा कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। और एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं एवरेज बच्चों के लिए, जो एवरेज बच्चे या एवरेज कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे हैं, वो कैसे टॉप IT कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फिलहाल के लिए बस ये है कि आप फोकस्ड रहिए अपनी चीज़ के ऊपर, आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, किस चीज़ में जाना है, उसको तैयार कीजिए, उसके अंदर जॉब आपको पक्का मिलेगी। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो उससे मैं और दोबारा वीडियो बनाने में मोटिवेटेड रहता हूँ, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। अभी फ्यूचर में मैं बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों से शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगा जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।